हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं जस्ट अभी IBPS PO का जो पेपर है प्रीलिम्स का, वो देकर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ जो पेपर आया था, किस तरीके का उसका लेवल था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, IBPS PO का एक जो बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का लेवल होता है, बिल्कुल वैसा पूछा गया था। इस बार देखने को नया ये दिखा कि पहले रीजनिंग सेक्शन खुला, रीजनिंग के बाद इंग्लिश सेक्शन खुला और इंग्लिश सेक्शन के बाद हमें क्वांट्स का सेक्शन देखने को मिला। जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग में ये चीज नहीं पढ़ी, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हुई। क्यों? क्योंकि उनको आदत है पहले इंग्लिश करने की, इंग्लिश के बाद रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के बाद क्वांट्स आएगा, जिसकी वजह से वो पहले ही सेटल डाउन रहते हैं कि पहले तो भाई हम आराम से इंग्लिश करेंगे, फिर हम रीजनिंग और क्वांट्स उठाएंगे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एकदम अपोजिट, रीजनिंग के बाद तो इंग्लिश खुल गया और इंग्लिश के बाद क्वांट, तो लास्ट में जब एकदम थक जाता है कोई, उसके बाद हमने क्वांट करना पड़ा। फिलहाल दोस्तों, मैं अगर आपको अपने अटेम्प्ट्स बताऊं तो मेरे अटेम्प्ट्स हैं, रीजनिंग में मैंने 30 अटेम्प्ट करे और क्वांट्स में मैंने 22 अटेम्प्ट करे और इंग्लिश में मैंने 30 अटेम्प्ट्स करे। तो लगभग दोस्तों ये मेरे अटेम्प्ट्स हैं। मेरा पेपर स्टैंडर्ड टाइप से अच्छा रहा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी जो इंग्लिश का लेवल है वो ठीक ठाक था, वो मॉडरेट किस्म का था। जो क्वांट्स का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था और जो रीजनिंग आई थी वो एकदम इजी थी। अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं रीजनिंग के केस में, तो दोस्तों रीजनिंग में काफी इजी पजल्स देखने को मिली थी। एक पजल आई थी जिसमें एयर बेस्ड जो पजल होती है, 2024 से माइनस करके आप एज कैलकुलेट करोगे, एक वो पजल थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी मुझे, जिसको मैं बाद में कर भी नहीं पाया था। उसके अलावा डायरेक्शन सेंस आया हुआ था, उसके बाद जो अनसर्टेन लेवल पजल होती है वो आ रखी थी, संडे मंडे बेस्ड पजल आ रखी थी, इनइक्वालिटी आया था और साथ ही साथ में सिलोगिज्म्स पूछे गए थे और बाकी मिसिलिनियस क्वेश्चंस में ज्यादा थे। सेकेंडली अगर मैं दोस्तों क्वांट्स की बात बताऊं, क्वांट्स में सबसे ईजी जो माना जाता है, जिस तरीके से अप्रोक्सीमेशन प्लस मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई थी, एक डीआई दो डीआई आ रखी थी, उसमें से जो एक डीआई है वो काफी इजी देखने को मिली, जिसमें एक टेबुलर डीआई था, दो लोग थे अमन और राहुल आई गेस, और उसको अलग अलग मार्क्स आए उनके 2021-22 डीआई में। सिमिलर एक दूसरी डीआई आ रखी थी जिसमें हमें कैलकुलेट करनी पड़ी थी वो सारी चीजें, वो थोड़ी सी डीआई हल्की सी टफ थी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट में मेल फीमेल निकालने थे और अंडर ग्रेजुएट में मेल फीमेल निकालने थे, तो वो एक टफ डीआई थी। साथ ही साथ दोस्तों डीएस देखने को मिला, इस बार डेटा सफिशिएंसी देखने को मिली क्वांट्स के सेक्शन में, जो कि आप समझ सकते हैं मेंस में ही यूजुअली दिखता है, क्लर्क मेंस में, बट इस बार इसमें भी वो देखने को मिला। साथ ही साथ उसके बाद जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस पेपर में आ रखे थे। और वहीं दोस्तों इंग्लिश भी अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग वो ही पैसेज आ रखा था। आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे और आपके जो मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं उस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ रखे थे कि इनकी जगह, सॉरी, रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा एग्जाम का एनालिसिस था जो मैंने दिया। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं इस शिफ्ट का। अब आप लोग बताएं जो आपने शिफ्ट दी थी उसका लेवल किस तरीके का था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।